मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम तुंडकुंडा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अष्टानिका महापर्व का परम मांगलिक प्रसंग आज से प्रारंभ हुआ है और आज से अपने को इष्टोपदेश नामक यहाँ ग्रंथ शुरू करना है। शाश्वत पर्व और शाश्वत उपदेश वो इष्टोपदेश है। शाश्वत पर्वों में इस शाश्वत उपदेश की चर्चा वास्तव में अपने लिए बहुत हितकारी होगी। जिस तरह ये पर्व अपरिवर्तनशील हैं, शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक ये पर्व इसी तरह से देवों के माध्यम से मनाए जाते रहे हैं। वर्ष में 3 बार आने वाला ये महापर्व अनादिकाल से इसी तरह से प्रवाहमान चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर परमात्माओं की जगत के जीवों का हित करने के लिए ये परम उपकारी वाणी वो भी सदा से एक रूपी रही है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में कुछ नया नहीं आया। जो बातें जैसी बातें पार्श्वनाथ स्वामी के समूह चरण में दिव्य ध्वनि में थी, वैसी ही बातें भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आई, वैसी ही बातें ऋषभ देव के समूह चरण में भी चला करती थी। ये वाणी ये उपदेश परमानेंट है, लेकिन कौन से उपदेश की बात चल रही है यहाँ? इष्ट उपदेश इस ग्रंथ को अपन यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। इष्ट माने अच्छा लगने वाला, इष्ट माने भला, इष्टोपदेश इष्ट उपदेश भलाई किसमें है उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वे स्वामी पूज्यपाद, ये भी अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। ब्राह्मण कुलोत्पन्न, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, हिंदू कुल में जन्म लेने के बावजूद, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी जैन दर्शन की अपूर्व रुचि और अल्पायु में शिक्षा अंगीकार कर जैनागम के प्रचार प्रसार में जैन तत्व ज्ञान को आत्मसात कर उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया। और उनकी ये जो कृतियाँ हैं, माने बहुत जगह पर कलम चलाई है पूज्यपाद आचार्य देव ने। इनका मूल नाम तो देवनंदी कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं कि इनका जो असली नाम था वो था देवनंदी। तो फिर पूज्यपाद क्यों कहते हैं? कि पूज्य थे पाद माने चरण, पूज्य थे चरण जिनके, या जिनके चरणों की पूजा देवों के माध्यम से की जाती थी। देवलोग भी जिनके चरणों की पूजा करते थे। और एक ऐसा भी प्रसंग किंवदंती के रूप में चला आया है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में, वर्णी जी ने उसका हवाला भी दिया है कि ये पूज्यपाद स्वामी, इनके चरणों में इस तरह की सामर्थ्य थी या इस तरह का कुछ आयुर्वेद और रसायन कुछ लेप इस तरह का पैरों में लगा लिया करते थे जिसके माध्यम से ये आकाश मार्ग में गमन किया करते थे। और ऐसा भी सुना जाता है कि आचार्य कुंदगुंद के अतिरिक्त यदि किसी संत को विदेही क्षेत्र जाने का सौभाग्य प्राप्त है तो उसमें नाम आता है पूज्यपाद आचार्य का। तो वही बात हो गई, जिनके चरण पूजनीय है, जो अपने चरणों के माध्यम से, जो अपने रिद्धि के माध्यम से विदेह क्षेत्र में साक्षात सीमा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाया करते थे, ये कैसे अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी होंगे और उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो उपदेश भी कितना सुंदर होगा। बहुत जगह कलम चलाई है इन्होंने,
जैनेन्द्र व्याकरण, इनकी बहुत सुंदर व्याकरण की रचना है। इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार्थ सिद्धि, यदि आपने नाम सुना हो तो। सत्वार सूत्र की टीका है सर्वार्थ सिद्धि, जो उपलब्ध टीकाओं में सर्वाधिक प्राचीन टीका है। और भी कई इस तरह के ग्रंथ जैसे शब्दावतार व्याकरण ग्रंथ, इनके माध्यम से लिखा गया। जैनेन्द्र व्याकरण के अतिरिक्त समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जो है ध्यान के ग्रंथ हैं। ऐसा सुना जाता है कि आयुर्वेद के अंदर भी इनको अच्छी महारत हासिल थी, आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की, न्याय के ग्रंथों की रचना की इन्होंने, ध्यान के ग्रंथों की रचना की है, व्याकरण के ऊपर इन्होंने कलम चलाई। जनागम के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन अपनी लेखनी के माध्यम से करने वाले ये पूज्यपाद आचार्य है, बहुत ही महान आचार्य हुए जिन्होंने जनागम के प्रचार प्रसार में और जगत के जीवों को दुखों से मुक्ति दिलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। एक और प्रसंग इनके संदर्भ में, बहुत पुराने समय से ही हम सुनते आए हैं हमारे पुराने विद्वानों के माध्यम से, कि काफी लंबे समय तक, या ऐसा समझिए बचपन से इनकी आंखें नहीं थी, नेत्र विहीन थे, और एक दिन बैठकर मंदिर में माला से जाप कर रहे थे, और जाप करते करते ही उंगलियों में उलझ कर वो माला टूट गई और मणिये सारे बिखर गए। 108 मणिये होते हैं माला में। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि हो जब तक मुझे वो माला के 108 मणिये वापस प्राप्त नहीं हो जाएंगे, या मैं उन्हें एकत्रित नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। जुट गए, बिखर गए थे, आंखें थी नहीं, रोशनी थी नहीं, नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी, और ठान ली इस तरह की कि नहीं, जो गलती मुझसे हो गई है, जो अपराध हो गया है, अब उस अपराध को से छूटने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक उसे वापस माला रूप में नहीं गूंथ दूंगा, तब तक अन्न जल का त्याग है। और इस संकल्प पूर्वक जब उन्होंने उस कार्य को करना प्रारंभ किया, उस मणिये को तलाशना प्रारंभ किया, और उसी दरमियान उसी बीच में उनका सर किसी टेबल से किसी कॉर्नर से टकराया, और सर में जो गंदा खून था वो निकल गया, और भक्ति के प्रभाव से नेत्रों में ज्योति आ गई, दिखाई देने लगा, रोशनी आ गई। ये ऐसा भी एक इंसिडेंट इनके जीवन में घटा है, जो भी अपन को जानना आवश्यक था। इस तरह से ये सामान्य बातें पूज्यपाद आचार्य के संदर्भ में है। जिस ग्रंथ को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ तो बहुत छोटा है, माने बहुत ही कम ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों की रचना इतने लघु रूप में अपने को मिलती है। इतने लघु रूप में उपयुक्त होने वाले ग्रंथों में इष्टोपदेश भी एक है, द्रव्य संग्रह भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत कम गाथाएं हैं। और इसी तरह से यदि हम बात करें तत्वार सूत्र की, तो तत्वार सूत्र भी अपने आप में एक बहुत छोटा ग्रंथ है, क्योंकि यदि तत्वार सूत्र को भी देखा जाए तो महज 4 से 5 पेज में पूरा ग्रंथ समाहित हो जाता है। उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखे गए सूत्रों की बात कर रहा हूँ मैं। इस ग्रंथ में 51 सूत्र हैं, 51 श्लोक हैं कुल। इष्टोपदेश में बहुत सरल भाषा में उदाहरण देते हुए, सरल से सरल शब्दावली में इस ग्रंथ की रचना की है। ऐसा कह सकते हैं यथा नाम तथा गुण ये ग्रंथ है। जैसा इसका नाम है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, इष्ट उपदेश, कि क्या चल रहा है, इष्ट उपदेश चल रहा है। ये तो असली में इष्ट उपदेश है, और इसके अलावा और भी जिनागम के किसी भी ग्रंथ का यदि हम स्वाध्याय करें, वो सब इष्ट उपदेश ही तो है। द्वादशांग में आके भगवान आत्मा की गीत गाए हैं, तो वो इष्ट उपदेश ही तो है। अच्छा, कौन सी बात आप लोग सुनना पसंद करेंगे? इष्ट उपदेश हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कौन सी बात प्रारंभ करेंगे, सुनना पसंद करेंगे?
इष्ट उपदेश के नाम पर। दुनिया में हम इष्ट उपदेश की जब चर्चा करते हैं तो लोग बहुत तरह के उपदेश को इष्ट उपदेश समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि अरे कोई हमारे को ये बतला दे पैसा कैसे कमाया जाता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा डॉलर कैसे मिल सकते हैं, ये कोई हमारे को बतला दे, इससे अच्छा उपदेश और क्या होगा, किस तरह से पैसे डबल नहीं 10 times किए जा सकते हैं कुछ दिनों में, और कोई कुछ घंटों में कहे, कुछ मिनटों में करने की बात कहे, तो हमारे को वो उपदेश कितना सुंदर लगता है। चमत्कार की बात करें, कोई जादू दिखाए इस तरह का कि इससे आपका इस प्रकार भला हो जाएगा, कितना अच्छा लगता है अपने को। कोई हमारे स्वास्थ्य के लिए बात करे, कोई हमारे तबीयत ठीक के लिए बात करे, कोई ऐसी चर्चा करे कि आपके घर में सुख शांति कैसी रह सकती है, तो अपने को कितना अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है घर की क्यों कोई व्यक्ति हमारे बारे में बात करे तो हमें कितना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, दो चार लोग मिलकर के हमारी प्रशंसा कर रहे हो तो हम कैसा फील करते हैं बताइए। हमें वो उपदेश अच्छा लगने लगता है जो उपदेश हमारे लिए हो, जो हमारे हित के लिए हो, जिसमें हमारी भलाई गर्भित हो। लेकिन किस चीज में हमारी भलाई है ये तो हम जानते ही नहीं है। हमारी भलाई किस चीज में है, हमारा हित किस में है, कौन सी चीज हमारे लिए इष्ट है और कौन सी चीज अनिष्ट है। पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन लगता तो इष्ट है लेकिन वस्तुतः वह हमारे लिए अनिष्ट है। इष्ट माने अच्छा लगने वाला, इष्ट माने बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारे को, हम उसके बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। किस चीज को अच्छा फील कर रहे हो आप? जब लड्डू खाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, खीर खाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, मन पसंद स्वादिष्ट भोजन मिलता है हम बहुत अच्छा फील करते हैं, और उसी का कोई उपदेश देता हो कितना। देखो जो चीज हमारे को पसंद है यदि कोई व्यक्ति उसी चीज को बनाने का उपदेश दे रहा हो तो हमें अच्छा लगता है ना उसका उपदेश। जैसे मानिए हम किसी के घर गए है? हम मौन बैठे हैं और घर में जिस घर में पहुंचे उस घर में किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे पंडित जी आए हैं चलो इनके लिए ये बना लो। अब यदि वो हमारे पसंद की चीज है तो हमारे को उपदेश कितना अच्छा लगता है। हम कौन सी बात को सुनना चाहते हैं, कोई हमारी सुंदरता के लिए बतलाएं, कोई हमारे को ऐसा उपदेश दे दे। अभी मैं आपको ऐसा उपदेश दे हूं कि आपको पता है ऐसे कुछ नुस्खे हैं मेरे पास में, ऐसे कुछ बातें हैं मेरे पास में जिनको यदि आप अपने लाइफ में अप्लाई करें तो आप लोगों के आंखों पर कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, आप लोगों के दांत कभी नहीं निकलेंगे बाहर, चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी, सर से बाल उड़ेंगे नहीं, सफेद नहीं होंगे, सफेद हो गए हों तो वापस नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे। ऐसी बातें हैं मेरे पास में कुछ, बोल कौन कौन सुनना चाहता है। सब सब सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है इस चीज को सुनने में हमारी भलाई है, ऐसा लगता है ना इसको सुनने से हमारा भला होगा। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं एक बार तो सुन तो सही इष्ट उपदेश क्या है, इष्ट किसे कहते हैं पहले ये जान ले, फिर उपदेश तो उसी का उपदेश होगा। इष्ट को नहीं जाना तो फिर उपदेश से क्या मतलब है। कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं इससे विपरीत बात करूं अभी तक जितनी बात कही है, ऐसा भी हो सकता है स्वाध्याय की चर्चा, जनवाणी पठन पाठन की बातें, ये लोगों को रुचि नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आती है। वो कहते हैं कि इष्ट उपदेश है क्या अनिष्ट उपदेश है,
हमने कहा किसी व्यक्ति से कि चलो चलो तुम्हारे को इष्ट उपदेश सुनाने के लिए ले चलते हैं, और वो आकर के बैठा, जबरन बैठा रहा पौन घंटे, अपने टाइम निकाला यहाँ, और फिर उठने के बाद में कहा ये कौन से अनिष्ट उपदेश सुनाने के लिए ले गए थे हमारे, इन लोगों का उपदेश सुनेंगे तो न ढंग से खा सकेंगे, न ढंग से पहन सकेंगे, न ढंग से घूम फिर सकेंगे, हमारी लाइफ सब चौपट हो जाएगी, न कमा सकते हैं, न बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा उपदेश कैसा लगता है? अनिष्ट लगता है ना। आचार्य देव जिसे इष्ट उपदेश कह रहे हैं, जगत के जीवों को वो अनिष्ट उपदेश लगता है। और जगत के जीव जिसे इष्ट उपदेश कहते हैं, जिसकी चर्चा को भला कहते हैं यहाँ दिगंबर संत मुनिराज, उसको अनिष्ट उपदेश, अनिष्ट चर्चा कहते हैं। वो अनिष्ट है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो अहितकारी है, विकल्प से भी निकाल देने योग्य है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं उस उपदेश के बारे में जानने की कि आखिर कौन सा उपदेश ऐसा हो सकता है जो उपदेश हमारे लिए इष्ट होगा, आखिर कौन सा ऐसा उपदेश हो सकता है जो हमारे लिए अच्छा होगा, भला होगा, वास्तव में हमारी लाइफ के लिए अच्छा होगा, ऐसा उपदेश। पूज्यपाद स्वामी ने 51 छंदों के माध्यम से, 51 श्लोकों के माध्यम से अत्यंत संक्षेप में सुंदर सुंदर छोटे छोटे से उदाहरण देते हुए, बहुत प्यारे छोटे छोटे से उदाहरण हैं, आप जब इस कृति को पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि कितना सुंदर सरल भाषा के अंदर इस बात को बतला दिया है, कितना सुंदर प्यारा उपदेश दे रहे हैं ये, हम कहाँ फंसे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आत्महितकारी उपदेश क्या था और हम किस उपदेश को हितकारी समझ बैठे थे, कौन सा उपदेश आत्महितकारी था, किस बात से मेरा भला होना है, पहले तो ये जानो कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिसे मैं की खबर नहीं है तो फिर मैं का पता नहीं होने के कारण मेरा और फिर भला, हमारी भलाई किसमें, परिवार में सुख शांति रहे इसमें हमारी भलाई है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साहब इसके अलावा और क्या करना है हमारे को, इसके अलावा और क्या चाहिए, बस सुख शांति रहे, शांति से लाइफ बीत रही है और बीतती रहे, मौज मस्ती से चल रहा है, चलता रहे, बस ऐसा ही जीवन निकलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। अरे भाई साहब ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में क्या होगा, इस बात के बारे में विचार किया है क्या आपने? यदि नहीं किया है तो एक बार उसके बारे में भी विचार करो, तब जा करके आपको पता लगेगा कि कैसी चर्चाएं पढ़ने योग्य है, कैसी चर्चाएं सुनने योग्य है, कैसा चिंतन करने योग्य है, किस माहौल में, किस परिवेश में, किस वातावरण में हमें रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए हमारे को, किन लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए, किन के सानिध्य में रहना चाहिए, कैसी बातें सुनना चाहिए, वो सब चर्चाएं यहाँ करेंगे हम। और इतना संक्षेप में बात करेंगे, इतना संक्षेप में बात करेंगे कि आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाए, बस बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में हम इस इष्ट उपदेश को आत्मसात कर ले रहे हैं, बस ऐसी भावना भाई है। ये वो उपदेश है जो सर्व शास्त्रों का सार है, क्योंकि मैंने अभी पहले भी ये बात कही है कि इष्टोपदेश तो इष्टोपदेश है ही, संपूर्ण जिनागम की चर्चा इष्ट उपदेश है, प्रथमानुयोग की चर्चाएं इष्ट उपदेश है, करणानुयोग की चर्चाएं इष्ट उपदेश है, चरणानुयोग की चर्चाएं इष्ट उपदेश है, द्रव्यानुयोग की चर्चाएं इष्ट उपदेश है, जो जो वितरागता का पोषण करने वाली है वो सब इष्ट उपदेश है। जिससे वितरागता का पोषण हो, जिससे राग भाव का पोषण हो, जिससे मिथ्यात्व का पोषण हो, जिससे कषाय का पोषण हो, जिससे विभाव भाव का पोषण हो, वो भला नहीं हो सकता हमारे लिए। किस चीज से किस चीज का पोषण कर रहे हैं हम,
किस व्यक्ति को देख करके किस बात की पुष्टि हो रही है। हम बोलते हैं ना, क्या देख करके क्या सीख रहे हैं आप, क्या मिल रहा है आपको। जैसे मैं कहता हूँ कई बार, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, हो गया इष्टोपदेश। वीतरागी को क्यों देखना, वीतरागियों की क्यों उपासना करना, हमें वीतरागता क्यों पसंद है, हमें वीतरागी देव क्यों पसंद है, हमें वीतरागी गुरु क्यों पसंद है, वीतरागी बनने के लिए। ये उपदेश कोई वचनात्मक ही हो कोई जरूरी नहीं है, वचनात्मक भी उपदेश होता है और एक्सप्रेशन में भी होता है। कैसे एक्सप्रेशन है इनके, किस तरह के इनके हाव भाव हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं, कैसे दिखते हैं, किसी फोटो को देख करके भी सीखा जा सकता है, हैं किसी जिन मंदिर में खड़े रह करके भी बहुत कुछ उपदेश मिल जाता है, समझिए किसी तीर्थ क्षेत्र पर खड़े होकर के वहाँ बने हुए चित्र, कोई पौराणिक कथा से रिलेटेड किसी चित्र को देख करके भी हमारे को इष्ट उपदेश मिल जाता है। अरे वो उपदेश इष्ट उपदेश है जिसके माध्यम से इष्ट की प्राप्ति हो, ऐसा उपदेश जिसके माध्यम से इष्ट की प्राप्ति हो जाए उस उपदेश का नाम इष्ट उपदेश है। और यदि इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो वो उपदेश इष्ट उपदेश किस काम का, इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। अब उस इष्ट की प्राप्ति, वीतरागी तत्वज्ञान की प्राप्ति या उस उपदेश की, उस संस्कार की प्राप्ति बादलों के विटम से भी हो सकती है, उसे देख करके भी। इंद्र धनुष के चलायमान होने पर भी वो अनुभूति हो सकती है, वो आभास हो सकता है, वो चिंतन चल सकता है, वो चिंतन की धारा विरल चल सकती है। चिंतन करो आप, दुनिया में जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में चिंतन करते रहते हैं। हर व्यक्ति, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति कब प्रति समय अपने भले के बारे में, लेकिन भला होता है कि नहीं होता है, सुबह से शाम तक 24 घंटे निरंतर 24 आवर्स लगे हुए लोग, किस चीज के लिए लगे हुए हैं, किस चीज के लिए लगे हुए हैं, हम भला हो जाए हमारा, हित हो जाए हमारा। और जहां जहां समझ रखा है उसके पीछे दौड़ भी रहे। देखिए जो ग्रंथ मेरे सामने है, उपदेश जो कि पूज्य पाद स्वामी का लिखा हुआ है, इसकी संस्कृत टीका लिखी आशाधर जी ने, पंडित आशाधर जी। पूज्य पाद स्वामी का काल रहा है लगभग 5वीं शताब्दी का, 5वीं शताब्दी में हुए पूज्य पाद स्वामी, ठीक है ना। और आशाधर जी लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे आशाधर जी, उपदेश की संस्कृत टीका लिखी है। आशाधर जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, सुना है हमने कि ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी के गुरु थे गृहस्थ अवस्था के, क्योंकि आशाधर जी तो पंडित थे और वे आचार्य अमृत चंद्र मुनि थे, तो मुनिराज के गुरु नहीं, लेकिन जब वे गृहस्थ दशा में थे तो आशाधर जी से पढ़ते थे, सीखते थे। इससे भी आशाधर जी कैसे व्यक्ति थे हमारे को इनकी महिमा ख्याल में आती है। धर्मामृत का नाम सुना आपने, सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत है। ये जो धर्मामृत है ये आशाधर जी की कृति है, जो चरणानुयोग के बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ माने जाते हैं अपने आप में। सागर और अनगार, सागर मतलब गृहस्थों के लिए, अनगार माने मुनिराजों के लिए। जो श्रावकाचार्य है, कैसा आचरण होना चाहिए श्रावकों का, मुनिराजों का कैसा आचरण होना चाहिए, उस संदर्भ में आशाधर जी ने कलम चलाई। सो सर्वप्रथम यहाँ आशाधर जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत टीका, और इस टीका के आधार से अपन यहाँ बात शुरू करें। उससे पहले मंगलाचरण, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण यहाँ दिया है, और संभवतः जो मंगलाचरण है ये संस्कृत टीकाकार का मंगलाचरण है, माने ये मंगलाचरण
आश्रय ही लट किया गया मंगलाचरण। पूज्यपाद स्वामी ने अलग मंगलाचरण किया और आशाधर जी ने इसकी व्याख्या करते हुए अलग मंगलाचरण किया। पुस्तकें अभी आप लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है, मुझे मालूम है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब अपन इसकी नेक्स्ट सेशन जब अपन इसका रखेंगे स्टोप देश का, उसके पहले पहले आप लोगों के निगाह के सामने, आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में इसकी ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाए। सिर्फ सुनिए आप लोग, इष्ट उपदेश पंडित आशाधर कृत संस्कृत सहित संस्कृत टीकाकार का मंगलाचरण पढ़ता हूँ मैं। परमात्मा परमात्मानं आनम्य मुमुक्षुः स्वात्म संविदे इष्टोपदेशं आचष्टे स्वशक्त्याशाधरः स्फुटम्। क्या कह रहे हैं, इसका जो मंगलाचरण जो इन्होंने संस्कृत में किया है, इसका पद्यानुवाद मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। बहुत मार्मिक आशाधर जी भी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत अच्छे विद्वान थे ना, तो इसलिए आशाधर जी द्वारा जो ये की गई टीका है, ये भी एक बहुत समृद्ध टीका है अपने आप में। तो देखिए इसका मैं मंगलाचरण पढ़ता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहीन कर्म विभाव विहीन पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाए स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए। और समझ में आया आपको, वैसे तो बहुत सरल है, एक बात बहुत सुंदर इन्होंने कह दी है, स्वात्म संपदा के निमित्त क्यों कर रहे हैं टीका। आज के समय में भी लोग ये कह सकते हैं कि आशाधर जी की टीका क्यों पढ़ते हो आप, क्या जरूरत है। इष्टोपदेश अपने आप में एक सरल ग्रंथ है, बहुत सरल है, मूल श्लोक ही बहुत सरल है। तो उस जमाने में जब इन्होंने टीका की होगी, उस समय में भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा होगा, क्यों कर रहे हो इष्टोपदेश की टीका, इतना सरल ग्रंथ है, लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, क्या जरूरत है तुम्हारे को इसकी टीका लिखने की। सरल सरल ग्रंथ है, सरल का अर्थ है, हर व्यक्ति उस बात का सरलता से समझ सकता है, क्या जरूरत है। तो इन्होंने बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हुए लाइन दे दी, स्वात्म संपदा के निमित्त, बस और कुछ। मैं किस लिए कर रहा हूं ये, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं चाहता हूं, किसी और के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझे कि दूसरे लोग इसको छपवाएंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे, दूसरे लोग लाभान्वित होंगे जगत के जीवों के कल्याण की भावना से, कि नहीं नहीं स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए। परम ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा कैसे हैं, परम ब्रह्म, इसका भी और अर्थ लगाया जा सकता है। परम ब्रह्म का अर्थ शुद्धात्मा किया जा सकता है, जो वास्तव में परमात्मा है। बाहर से यदि हम इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ यही निकलेगा, जिन्होंने आत्म दशा प्राप्त कर ली है, जिनके परमात्म दशा प्रकट हो गई है, पूर्ण ज्ञान घन लीन, और पूरी तरह से ज्ञान रूपी घन में जो लीन हो रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन, पूरी तरह से ज्ञान घन, ज्ञान घन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। ज्ञान घन का अर्थ ये है कि जो ज्ञान के ही बने हुए हैं, जो ज्ञान के ही बने हुए हो वे कहलाते हैं ज्ञान घन। लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये क्यूब जिसमें होता है वो कहलाता है घन।
स्क्वायर स्क्वायर क्या बोलते हैं क्यूब पावर थ्री ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो ये जो है घन ये किस चीज का है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब में क्या व्याप्त है कि पूर्ण ज्ञान पूरी तरह से ज्ञान में ही और घन लीन ज्ञान के साथ में भी घन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और लीन के साथ में भी घन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लाइन पढ़ी है मैंने अभी, परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन, पूर्ण माने पूरी तरह से, ज्ञान घन ज्ञान में ही लीन रहने वाले ऐसे तो हो गए परमात्मा। वंदो परमानंदमय, वंदो अर्थात नमस्कार करता हूँ। ये किस लिए नमस्कार करते हो, ये परम आनंदमय, परम आनंदमय कर्म विभाव विहीन, कर्मों को और विभाव को जिन्होंने रहित विहीन माने जो उससे रहित हो गए हैं उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। तीन चरणों में तो चर्चा कर दी उनके स्वरूप की और चौथे चरण में कह दिया वे कैसे हैं। वंदो परमानंदमय उन कर रहा हूं जो कर्म विभाव विहीन, जो कर्म रूपी विभाव से या विभाव और कर्म इन दोनों से, जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों से विहीन रहित हो गए हैं ऐसे पूरी तरह से ज्ञान में ही लीन रहने वाले हैं परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उसको मैं वंदना करता हूँ नमस्कार करता हूँ। फिर सेकंड टाइम किसे नमस्कार कर रहा हूँ, किस सेकंड टाइम मैं नमस्कार कर रहा हूँ, पूज्य पाद मुनिराज को, पूज्य पाद मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। कौन कर रहा है ये मंगलाचरण, कौन कर रहा है ये नमस्कार, पूज्य पाद नहीं, ये आशाधर जी नमस्कार कर रहे हैं, ये पंडित आचार्य जी नमस्कार कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी को। अरे जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ की रचना की है उस व्यक्ति के प्रति हृदय में महिमा तो आए सबसे पहले, नमन करूं नमस्कार करता हूं मन लाए चित्त की एकाग्रता पूर्वक, पूज्यपाद मुनिराज को नमन करूं मन लाए से, पूज्यपाद मुनिराज को मैं मन की स्थिरता पूर्वक उपयोग की स्थिरता पूर्वक मन लगा करके नमस्कार करता हूँ। स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए, और टीका क्यों लिख रहे हैं, मंगलाचरण की अंतिम लाइन, स्वात्म संपदा के निमित्त अपनी संपदा को प्राप्त करने के लिए, स्व मैं आत्म माने अपनी, स्व आत्म मैं अपनी संपदा के लिए, क्या क्या कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो, स्वयं स्वयं की संपदा के लिए के निमित्त उसे प्राप्त करने के लिए टीका करूं बनाए, मैं टीका बना रहा हूं। स्वांत है सुखाए जैसा कहते हैं ना, किसके लिए करते हो आप, स्वांत है सुखाए अपने आप के लिए, मुझे आनंद आता है कि साहब आप प्रवचन क्यों करते हो कि अपने आप के लिए, कि क्या मिलता है तुम्हारे को, कि मुझे सुकून मिलता है मुझे आनंद मिलता है, कि उपदेश किसको देते हो, दुनिया को उपदेश, अरे नहीं नहीं मैं दुनिया को उपदेश नहीं देता, मैं तो अपने आप को उपदेश देता हूँ। जब मैं प्रवचन करता हूँ, जब मैं कक्षा लेता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं दो कानों से सुनता भी हूँ। तो मैं जो उपदेश देता हूँ वो उपदेश किसी और के लिए नहीं देता हूँ, वो उपदेश मैं अपने आप के लिए भी देता हूँ। मैं उस उपदेश को स्वयं सुनता हूँ, दो कानों से सुनता हूँ, मैं उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए वो काम करता हूँ। तो ये टीका जो बना रहा हूँ इससे जगत के जीव लाभान्वित होंगे कि नहीं होंगे ये अलग मैटर है, या हो सकता है हो गए, हो सकता है हो जावे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जगत के जीव यदि लाभान्वित हो गए तो हो गए, लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, स्वात्म संपदा वैभव को प्राप्त करने के लिए।
अंतरंग वैभव को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान वैभव को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानादि निधियों को प्राप्त करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। चार लाइनें हो गई, वापस पढ़ करके सुनाता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनलीन, परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनलीन, वंदो परमानंदमय। क्लियर है यहाँ तक? वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहीन, कि किसको नमस्कार कर रहे हो आप? जो विभाव कर्म से सदा सदा के लिए रहित हो गए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूँ मन लाए, मन लगा करके पूज्य पाद मुनिराज को नमस्कार कर रहा हूँ। पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूँ मन लाए, नमन करता हूँ मैं मन लाए, मन लगा करके मन की एकाग्रता पूर्वक। पूज्यपाद को क्यों नमस्कार कर रहे हो? कि इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी संपदा लौटा दी है। कि ले रखी थी क्या? कि नहीं नहीं ले नहीं रखी थी, बता दी है। बताने को भी लौटाना कहते हैं कभी कभी। इन्होंने दे दी, जग को दे दी जग की निधियाँ, जग को दे दी जग की निधियाँ, तो मुझे तो दी नहीं। अरे तुझे तेरी निधि बता दी ना, और क्या चाहिए तुझे? स्वात्म संपदा, तुझे तेरी आत्म संपदा बतला दी, तुझे तेरा अंतरंग वैभव बतला दिया, मुझे मेरे वैभव से परिचय करा दिया, और क्या चाहिए? किसी दरिद्री बने व्यक्ति को इतना बता दिया कि तू दरिद्री नहीं है, तू तो करोड़पति है। रिक्शे वाला साधा का प्रवचन है ना प्रसिद्ध, तू करोड़पति है, तू वैभव संपन्न है, इतना मात्र ज्ञान करा दिया, इतना मात्र बतला दिया, बस हो गया काम। स्वात्म संपदा के निमित्त टीका बनाए, अब मैं इसकी टीका बना रहा हूँ। इस तरह से ये दो और दो चार पंक्तियों में निबद्ध ये टीकाकार का मंगलाचरण है, जो कि आशाधर जी का मंगलाचरण है। इसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है, मैंने वो अर्थ पढ़ा नहीं है। अगले सेशन में जब आप लोगों के सामने बुक्स होंगी तब अपन इसका अर्थ भी पढ़ेंगे और पूज्य पादाचार्य की पंक्तियों से भी बात को आगे प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ बहुत सुंदर है, सरल है और सरस है, और निश्चित रूप से हमारे चित्त को आकर्षित होगा। हम इसकी चर्चा आगामी स्वाध्याय में अपेक्षित विस्तार से करेंगे, अभी की बात से नहीं विराम देता हूँ। कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो हाँ बोलिए। पंडित जी, ये पुस्तक है vitragvani.com पर है? हाँ, सामने है। मंगला आइटम से प्रकाशित है? ये तो ना vitragvani.com से मैंने ये डाउनलोड। कौन सी वाली है, किसका अनुवाद है? पंडित देवेंद्र कुमार जी का है क्या अनुवाद? हाँ, देवेंद्र कुमार। हाँ तो ठीक है फिर, और मैं भी कोशिश करता हूँ। और एक बार आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको देख लेता हूँ, यदि वही होगी तो फिर सबको सेंड कर देंगे, ठीक है? और मेरे पास जो यहाँ उपलब्ध है, मैं कोशिश करता हूँ ये कहाँ से है, यदि ये मिलती है तो ये फिर सबको ये भेज देंगे, ठीक है? अभी जनवाणी स्तुति बोल लेती हूँ, आप लोगों का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला होगा। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। नमो नमो परमात्मा।